एवरीवन, मेरा नाम ऋचा जैन है। वेलकम बैक टू आवर चैनल किड्स डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। तो आज मैं आप लोगों के साथ ब्रेन बूस्टिंग वर्कशीट शेयर करूंगी, फाइल नंबर 10। प्रीवियसली मैं आप लोगों के साथ 9 फाइल्स शेयर कर चुकी हूँ एंड दीज आर स्टेप बाय स्टेप फाइल्स। अगर हम लोगों को 2 साल का बच्चा है, 2-2.5 साल का बच्चा है, उसको राइटिंग इंट्रोड्यूस करानी है, तो मैं उसको क्या सिखाऊँ, क्या कराऊँ, कैसे कराऊँ, वो सारा फाइल 1 से, मतलब दैट इज फ्रॉम द बिगनिंग, कि स्टार्टिंग से हमें बच्चों के साथ राइटिंग पे, अकेडमिक्स पे, कॉन्सेप्ट्स पे कैसे काम करना है। सो दिस इज फाइल नंबर 10। अब मैं थोड़ा सा फाइल के बारे में, बिकॉज जो भी नए लोग हैं, मैं इस तरह की डिस्प्ले फाइल्स यूज करती हूँ, ठीक है। इनमें पॉकेट्स होती हैं, पॉकेट्स हैं। A4 साइज शीट पे जो भी आपको बनाना है, वो कॉन्सेप्ट आपने डाला, इनमें इंसर्ट कर दिया। फिर वाइट बोर्ड मार्कर पेन से, दीज आर वाइट बोर्ड मार्कर पेन, आपने जो भी लिखना है उस पर लिखा, सपोज कीजिए एनीथिंग, एंड उसको कोई भी वेस्ट क्लोथ से आपने इरेज कर दिया। सो दिस इज द होल सिनेरियो। क्योंकि अगर मैं बात करूँ, एक बार इन्वेस्टमेंट लगती है फॉर द फाइल, बट दिस इज अ वेरी टाइम सेविंग, एनर्जी सेविंग एंड कॉस्ट इफेक्टिव। क्यों, एक बार शीट बनाया और उसको इसमें डाल दिया, आप कितनी बार, चाहे 100 टाइम उसको कराइए, इट इज़ रीराइटेबल। क्योंकि बच्चों को एक बार में तो कॉन्सेप्ट आता नहीं है, बार 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 सिखाना पड़ता है, कराना पड़ता है, तो बार बार वो मेहनत नहीं लगती कि आपको बार बार वो कॉन्सेप्ट बनाना है। आप रिवीजन कराइए, आप दिन में 10 बार कराइए, आप डेली कराइए, इसका कुछ नहीं बिगड़ता। तो दिस इज़ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव एंड एनर्जी सेविंग। और बहुत सारे कमेंट्स में, क्योंकि प्रीवियस फाइल्स में आ रहा था कि मैम ये फाइल नहीं मिल रही है या कहाँ से परचेज करें, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, इसका कहाँ से आप ले सकते हैं। अगर आप वहाँ से लेना चाहते हैं तो आई एम शेयरिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है। अब बात करते हैं ब्रेन बूस्टिंग वर्कशीट्स के बारे में। लेट्स हैव अ लुक ऑन द वर्कशीट्स। एक्टिविटी नंबर 1, दिस इज एन कोडिंग एक्टिविटी, और साथ में हम बच्चे को 3-word स्पेलिंग, जो 3-alphabet स्पेलिंग है, उस पर भी हम लोग फोकस कर रहे हैं। यहाँ पर हमने अल्फ़ाबेट्स को कोडिंग दे दिया है, दिस इज़ द पिक्चर, और यहाँ पर हमने नंबर्स में कोडिंग दिया है। बच्चे को वो कोड ब्रेक करना है। 7H2A1T, ये क्या है, हैट, लाइक दिस। तो इससे फोनिक्स के साथ जो स्पेलिंग्स बनाना है, 3-letter स्पेलिंग बनाना है, उसके लिए हम बच्चे को प्रिपेयर कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फोनिक्स। हैट। नाउ व्हाट इज दिस, ट ए न, 10। वाओ, वेरी गुड। सो दिस इज एक्टिविटी नंबर 1, ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटी नंबर 1। सर्कल करेक्ट कॉम्बिनेशन, अब हम लोगों ने प्रीवियस फाइल्स जो की हैं उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ करी हैं स्मॉल अल्फ़ाबेट एंड कैपिटल अल्फ़ाबेट के रिकॉग्निशन के लिए। यहाँ पर हम लोग पेयरिंग पे कि करेक्ट कॉम्बिनेशन को बच्चे को सर्कल करना है, और जो करेक्ट नहीं है उसको सर्कल नहीं करना है। तो जिससे बच्चे की आइडेंटिफिकेशन एंड एसोसिएशन, स्मॉल की कैपिटल के साथ एसोसिएशन पे हम लोग अच्छे से काम कर रहे हैं। अब दिस इज़ वेरी कन्फ्यूजन, DB। अब कई कई बार बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन रहता है फॉर्म कॉन्स्टेंसी में, तो इस तरह के हम लोगों ने जो है अल्फ़ाबेट्स ज़रूर रखने हैं, ताकि बच्चे का विजुअल जो कॉन्स्टेंसी है उस पर हम लोग चेकआउट कर सकें, वो बच्चे का स्ट्रांग है या नहीं है। अगेन, मेक न्यू वर्ड्स। अब बच्चे को हम लोगों ने फोनिक्स जो ए न एन की साउंड हम लोगों ने करा दी है, अब हम इस पर स्मॉल वर्ड फॉर्मेशन, ए न फैन, प ए न पेन, म ए न मैन, राइट। ऐसे ही सेट, गेट, बेट, और बच्चे को वो लिखना है, ताकि बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग है रिगार्डिंग वर्ड फॉर्मेशन, उस पर हम लोग अच्छे से काम कर पाए। दिस इज़ अ ब्रेन बूस्टिंग वर्कशीट कि स्क्वेयर और इसका कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, वो पिक्चर बच्चे को ड्रॉ करनी है, लाइक दिस, सर्कल, सर्कल में क्रॉस। अब उसको आइडेंटिफाई करना है दिस इज़, एंड मुझे वो कैसे बनाना है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड विजुअल परसेप्शन एक्टिविटी, और बच्चे को इससे जो है कॉम्बिनेशन करना चीज़ों का अच्छे से आता है। अगेन, दिस इज़ अ स्पेलिंग एक्टिविटी। अब यहाँ पर हमने पिक्चर लिखी है, रैंडम अल्फ़ाबेट्स लिख दिए हैं, अब बच्चे को इन 3 अल्फ़ाबेट से करेक्ट स्पेलिंग बनाना है। वट इज़ ही डूइंग, क्या हो रहा है यहाँ पर, एप्पल कार्ट, कट, कट, ओके। इसमें से चेक करो, मैच करो, कौन सा होगा, कट,
bug, b a g, bug. All right, pit, p e t, pit. Box, b o x, box. तो हम लोगों ने यहाँ पर जितनी भी वर्कशीट्स हैं बच्चे को अब फोनिक ड्रिल के साथ हम लोग स्पेलिंग्स पे 3 अल्फाबेट स्पेलिंग्स पे स्ट्रेस करेंगे ताकि बच्चे की जो रीडिंग स्किल्स हैं उस पर हम लोग अच्छे से काम कर पाएँ. दिस इज़ अ वेरी गुड कंपेरिजन हाइट वर्कशीट. दिस इज़ अ वेरी गुड ब्रेन बूस्टिंग वर्कशीट एज वेल. कि जो सबसे ज़्यादा हाइट है उसको कौन सा कलर करना है, रेड, उससे छोटा ग्रीन, देन ब्लू, देन ब्लैक. फाइंड आउट विच वन इज द सबसे हाइट ज़्यादा किसकी है. अब ये रेड कलर किस में होगा, ओ दिस, डू इट रेड. ऑल राइट, एंड उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, डू इट ग्रीन. तो इससे बच्चे को हाइट कंपैरिजन आएगा, विजुअल डिस्क्रिमिनेशन आएगा, अंडरस्टैंडिंग आएगी कि विच वन इज़ द बिगर, विच वन इज़ स्मॉलर, सबसे ज़्यादा हाइट किसकी है. और उसका जो आइडेंटिफिकेशन है उसके लिए बहुत अच्छी वर्कशीट है ये. नाउ दिस इज़ अ विजुअल परसेप्शन एक्टिविटी. बहुत ज़्यादा इसमें अटेंशन की रिक्वायरमेंट है कि जो ये वाला फॉर्म है उसमें आपको ट्राइंगल बनाना है, इसमें सर्कल बनाना है, इसमें रेक्टेंगल बनाना है. सो दिस इज़ दिस वर्कशीट. और बच्चे को इसमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि इसमें क्या आएगा, इधर क्या आएगा और मुझे उसको कैसे लिखना है. तो दिस इज़ अ वेरी गुड ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटी. अब यहाँ पर हमने, क्योंकि प्रीवियस फाइल्स में हमने एडिशन पे बच्चे के साथ इतना काम नहीं किया है, अब हम बच्चे को, क्योंकि इंट्रोडक्शन हमने दी थी मेरे ख्याल से 6th या 7th फाइल में हम लोगों ने बच्चे को एडिशन की इंट्रोडक्शन दी थी, बट अब हम उसको यहाँ पर सिखाएंगे. ओके, यू हैव वन बॉल. अब आपको मम्मा 2 बॉल्स और दे देंगे तो कितनी बॉल्स हो जाएंगी कृष्णव के पास, आपके पास. मेक इट, हाउ मेनी बॉल्स यू विल हैव, 1, 2, 3, वाव, 3. नाउ अब यहाँ पर हमने पिक्चर फॉर्मेशन कराया, यहाँ पर हम अल्फाबेट्स पे स्ट्रेस करेंगे. 1 आइसक्रीम आपके पास है, मामा ने आपको 1 और दे दिया, अब कृष्णव के पास कितना आइसक्रीम हो गया, 2. सो दिस इज द वर्कशीट जिसमें हम लोगों ने एडिशन को इंट्रोड्यूस किया है इन अ वेरी स्मॉल एंड इन द पिक्चर फॉर्मेशन एंड इन द नंबर फॉर्मेशन. तो दिस इज़ द अर्ली इंट्रोडक्शन. नेक्स्ट इज़ द ब्रेन बूस्टिंग फाइल. अगेन कोडिंग भी है इसमें, बच्चे को बहुत सारी चीज़ों पे एक साथ काम करना है, नंबर के अकॉर्डिंग कोड याद रखना है, विजुअली आइडेंटिफाई करना है एंड देन एक्शन परफॉर्म करना है. तो आप देखिए एक साथ ब्रेन को कितनी सारी चीज़ों पर काम करना है. लाइक जिसमें 3 पेटल्स हैं उस पर टिक करना है, काउंट द पेटल्स, 1, 2, 3, ओके, व्हाट विल कम, टिक. ऑल राइट, दिस इज़ 1, 2, 3, 4, 5. ओ यहाँ तो है ही नहीं, 1, 2, क्रॉस क्रॉस, देन 4 पे स्लैश, टिक, स्लैश, लाइक दिस. इज अ वेरी इजी, बट देखिए आप कितनी सारी चीज़ें बच्चे को करना है. यहाँ पर स्पॉट रेक्टेंगल एंड कलर एंड काउंट. अब रेक्टेंगल को इसमें कलर करना है एंड काउंट करना है. हाउ मैनी, 3. हाउ मैनी रेक्टेंगल, 1, 2, 2. How many rectangle in the TV? Only 1. How many rectangle in the flower? Oh, there are no rectangles. It's a circle. It's a flower. Rectangle hai hi nahi. तो लाइक दिस, मेक इट फन, मेक इट एक्साइटिंग. एंड जब आप इस तरह से कलरफुल शीट्स बनाते हैं, उसको एक्साइटिंग स्पीच के साथ एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग बनाते हैं तो बच्चा बहुत ज़्यादा ध्यान देता है. 10 वर्कशीट्स शेयर की हैं. अगर आप मेरी प्रीवियस फाइल्स जाकर देखेंगे तो वहाँ पर जो मैंने वर्कशीट शेयर की हैं वो बेस से हैं. देखिए अगर आपको बच्चे को अपने इस लेवल पर लेकर आना है, बिलीव मी, और मैं नहीं, ऐसा बहुत सारे पेरेंट्स के कमेंट्स अगर आप देखेंगे तो उन्होंने शेयर किए हैं कि फाइल की वजह से उनके बच्चों का राइटिंग में इंटरेस्ट आया, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ रही है एंड दे लव टू वर्क. क्योंकि बच्चों को काम कराना ही बहुत मुश्किल है, बट ये फाइल्स इतनी अट्रैक्टिव लगती हैं बच्चों को कि वो काम करना चाहते हैं. तो जो भी एज ग्रुप में आपका बच्चा है, दिस फाइल इज़ फॉर 4 ईयर 6 मंथ. ठीक है, ये जो फाइल आज मैं शेयर कर रही हूँ ये 4 ईयर 6 मंथ की एज के लिए है. अगर आपके बच्चे की एज इससे छोटी है या उसका अभी ये लेवल नहीं है, गो टू प्रीवियस फाइल्स एंड चेक दोज कॉन्सेप्ट्स कि मैं अपने बच्चे को कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स कराऊं जिससे उसका बेस अच्छा हो. देखिए एकदम से मुश्किल कॉन्सेप्ट जब हम कराएंगे तो बच्चों की अंडरस्टैंडिंग
नहीं आएगी. स्टार्ट विद ईजी एंड स्टेप बाय स्टेप. जब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो बच्चों का फाउंडेशन अच्छा होगा, बेस अच्छा होगा, तो उनको कन्फ्यूजन्स नहीं होंगी, उनको समझाने में हमें दिक्कत नहीं होगी और इस लेवल तक बच्चे आ पाएंगे. ठीक है, तो इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि फिर उससे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रहती है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहती है और बच्चे मुश्किल चीज़ें ईजिली कर पाते हैं. सो दिस इज़ फाइल नंबर 10. विल डेफिनेटली शेयर फाइल नंबर 11 सून. एंड फॉर द पेरेंट्स हु आर फॉलोइंग दीज फाइल्स, आई रिक्वेस्ट देम प्लीज़ शेयर योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स कि उनको क्या बेनिफिट्स मिले, सो दैट अदर पेरेंट्स ऑल्सो कम टू नो कि हाँ दीज फाइल्स आर रियली रियली बेनिफिशियल फॉर देयर चाइल्ड डेवलपमेंट. तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर डालिएगा और कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप कमेंटिंग. थैंक यू सो मच.